सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ डायबिटीज को कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर सकती है ये पांच चीजें। अगर आप लोग इन पांच चीजों का रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग तुरंत ही अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सी वो पांच चीजें हैं जिन्हें आपको लेना है और जिनको लेके आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। कई लोग डायबिटीज को बहुत मामूली और छोटी मोटी बीमारी समझते हैं, जबकि ये सिर्फ उन लोगों की गलतफहमी होती है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो डायबिटीज से गंभीर और खतरनाक कोई भी रोग नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और इंसान को इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि उसके पास उपचार का सही तरीका और समय भी नहीं बचता है। अगर आप लोग भी डायबिटीज चपेट में आ गए हैं तो जीवन भर इसके लिए आप लोगों को परहेज करना पड़ता है। कुछ लोग तो डायबिटीज से बचने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी उनका डायबिटीज कम नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, डायबिटीज होने का कारण ही यही है कि हम लोगों का असियमित खानपान, हमारा मानसिक तनाव, मोटापा, व्यायाम की कमी, ये चीजें सारी डायबिटीज के कारण होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी अब आप लोगों को कौन सी वो पांच चीजें लेनी है जिनसे आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। पहली जो आप लोगों को चीज लेनी है वो है जिस चीज में प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में हो। मधुमेह के मरीज को प्रोटीन अच्छी मात्रा में व उच्च गुणवत्ता वाला लेना चाहिए। इसके लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, सोयाबीन आदि का आप लोगों को ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें सही रखती हैं और हमें पूरी प्रोटीन की मात्रा देती हैं। तो आप लोग इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, इससे भी आप लोगों का शुगर काफी कंट्रोल हो सकता है। दूसरी जो चीज आपको लेनी है फ्रेंड्स, वो है करेला। डायबिटीज में करेला काफी फायदेमंद होता है। करेले में केराटिन नामक रसायन होता है, इसीलिए यह प्राकृतिक स्टेराइड के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे खून में शुगर लेवल नहीं बढ़ पाता। करेले के 100 मिली रस में इतना ही पानी मिलाकर दिन में 3 बार लेने से आप लोगों को लाभ होता है। आप लोग करेले का जूस बना के पी सकते हैं, और अगर आप लोगों को करेले का जूस अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग कच्चे करेले को काट के उसके छोटे से पीस करके उसे नमक के साथ भी ले सकते हैं, इससे भी आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी जो चीज है फ्रेंड्स, वो है डबल टोंड दूध पिए। डायबिटीज के मरीज हमेशा डबल टोंड दूध का प्रयोग करें। कम कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे छिलके वाला भुना चना, परमल, अंकुरित अनाज, सूप, सलाद आदि का आप लोग ज्यादा सेवन करें। वहीं दही और छाछ का सेवन भी आप लोगों के ग्लूकोज के स्तर को कम करता है और आपके डायबिटीज को नियंत्रण रखता है। चौथा जो आप लोगों को फ्रेंड्स चीज लेनी है वो है मेथी। मेथी को आप लोग खाना खाने से 15 या 20 मिनट पहले ले लें, इससे भी आपका शुगर कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो मेथी को रात भर पानी में भिगो कर रखें, सुबह उस पानी को भी पी जाएं, और जो आप लोगों ने उसमें मेथी के दाने डाले हैं उस मेथी के दानों को भी चबा के खा लें। और अगर आप रात भर पानी में इसको भिगाना नहीं चाहते हैं तो आप लोग मेथी के दानों के 4-5 छोटे छोटे टुकड़े करके भी उसे खाना खाने से पहले 1 चम्मच पानी के साथ आप लोग ले सकते हैं, इससे भी आपका डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। पांचवी जो चीज फ्रेंड्स आपको लेना है वो है शहद। कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर शहद मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी होता है। शहद हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत सहायता करता है, इसीलिए अगर आप लोग शहद का उपयोग नहीं करते हैं और आप लोगों को डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स, अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोग हनी का उपयोग जरूर करें, इससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमें सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो पांच चीजें जिन्हें आप लें
और अपने डायबिटीज को कंट्रोल करें। अगर आप लोगों को भी डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और इन चीजों को जरूर फॉलो करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आप लोग भिंडी को भी रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को और भिंडी को चबा जाएं, इससे भी आप लोगों का डायबिटीज काफी कंट्रोल में रहता है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोग कैसे अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी घरेलू नुस्खों को अपना के। तो आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।